बड़ी खबर आ रही है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने चाबुक चलाया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने झूला झाप डॉक्टर और पैथोलॉजी पर छापेमार कार्रवाई की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर यह छापेमार कार्रवाई हुई। एडिशनल सीएमओ रंजन गौतम ने 18 हॉस्पिटल पैथोलॉजी पर छापेमार कर सील भी कर दिया है और साथ ही साथ छापेमारी से झूला झाप डॉक्टर्स, अवैध अस्पताल और साथ साथ पैथोलॉजी संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। सीएम के आदेश के बाद फरुखाबाद सीएमओ अरविंद कुमार एक्शन में आए हैं और एडिशनल सीएमओ ने ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई भी की, जिससे हड़कंप लगातार मचा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं मोहम्मद मुहित। मुहित, क्या कुछ जानकारी झूला झाप डॉक्टर्स को लेकर, जो ये शायद बिना लाइसेंस के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ये तमाम जो क्लिनिक्स हैं वो चला रहे हैं? जी बिल्कुल मैम, जैसा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कही जाए बात तो फरुखाबाद में विशेषकर कई अवैध नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर फरुखाबाद सीएमओ अरविंद कुमार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इसी के साथ साथ कई हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जिसमें डॉक्टर नाम की सिर्फ डिग्री लगी है लेकिन वहां पर कोई डॉक्टर नहीं आते हैं। बिना प्रैक्टिस के किए हुए लोग वहां पर मरीजों का इलाज करते हुए साथ नजर आते हैं लेकिन वो मरीजों का इलाज नहीं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं मैम। तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अब किस तरह का एक्शन इन झूला झाप डॉक्टर्स पे लेगा, क्या कुछ जानकारी? जी, स्वास्थ्य विभाग मैम सतर्क है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि किसी तरीके की जो स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी तरीके के यदि झूला झाप डॉक्टर या अवैध अस्पताल को तत्काल प्रभाव से उन पर कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका मुहित। तो स्वास्थ्य विभाग ने झूला झाप डॉक्टर्स पर छापेमार कार्रवाई की और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी साफ तौर पर ये कह दिया है और स्वास्थ्य विभाग पर ये चाबुक चलाया है और ये साफ तौर पर उनको कहा है कि ऐसे डॉक्टर्स के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये तमाम जो जनता है उनकी जिंदगियों पे भी बात आ सकती है। क्योंकि अगर लाइसेंस नहीं होगा, उनके पास कोई डिग्री नहीं होगी और इस तरह के डॉक्टर्स अगर इलाज करते हैं तो ये सवालिया निशान खड़ा करते हैं।